मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप सभी लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। आप सभी लोगों के घरों में जो भी तकलीफ़ है, परेशानियां है, मुसीबत है, अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से ठीक कर दे, शिफा अता कर दे और आप लोगों की ज़िंदगी को खुशियों से भर दे और आपके चेहरे को रोशन कर दे। आमीन सुमा आमीन। यही मेरी आप सभी लोगों के लिए दुआ है और हमेशा मैं सब के लिए दुआ करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक से ज़्यादा और एक से कम प्यार करती हूँ, मैं जितना एक से करती हूँ उतना ही मैं सब से करती हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और मैं करती रहूँगी। आप लोगों के प्यार का, सम्मान का मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ट्रेन भर के थैंक यू। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे। मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में ये कमेंट आते हैं और मैं आंसर देते देते एक ही सवाल का बार बार थक चुकी हूँ, तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे मैं लास्ट टाइम वीडियो बना देती हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा बहुत ज़्यादा आता है कि आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करें, कैसे बात करें। तो मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम आईडी जो है अपना मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहाँ पे इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे फ़ोटो के ठीक नीचे यहाँ पे एक इंस्टाग्राम का लोगो बना हुआ है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हो, अपने जो भी पिक्चर वगैरह है सेंड कर सकते हो इस तरह से, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको बात करने में, लेकिन इंशाल्लाह बात ज़रूर से होगी। एक सवाल तो ये है, दूसरा सवाल ये कि आपने बकवास की, इतनी बकवास की, इतनी बड़े बड़े अल्फाज की बातें, पता नहीं क्या क्या, मुझे इतने सारे गंदे लफ्ज़ मुझे आते नहीं बोलने के लिए इतना ज़्यादा। ठीक है, क्या बड़े बड़े अल्फाज किए, इतना भाषण दिया, रेमेडी नहीं बताई, तो मैंने आपको आपको देखा, आप मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं स्पेलिंग भी मिस्टेक होती है इतनी सारी कि समझ में भी नहीं आती। ठीक है, तो जितना टाइम आप लोग कमेंट करके सवाल इधर से उधर से इससे उससे दुनिया भर की झंझट पाल के आप लोग जब आप लोग सोचते हो कि मैं इससे पूछ लूँ, मैं उससे पूछ लूँ, मैं इससे कर लूँ, मैं उससे कर लूँ, तो इतना सब कुछ करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता? टाइम तो वेस्ट होता होगा ना आपका, तो आप उतना टाइम है ना वीडियो देखने में लगाइए। अगर आप उतना टाइम में अपने दिमाग को शांत कर पिछली वीडियो जाकर देखेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब वीडियो के अंदर है। मैंने रेमेडी के ऊपर 1000 मरतबा वीडियो बनाया, 1000 मरतबा मैंने सब कुछ बताई है यार, एक एक चीज़ खोल खोल के मैंने एकदम अच्छे से बताई है, सब कुछ डिटेल के साथ मैंने बताई है। ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूँ, बताइए किस तरह से आप लोगों को समझाऊँ, है ना। तो आप क्या होता है, देखिए हम लोग यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं, हर रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो जो वीडियो मैंने 3-4-5 महीने पहले जो अपलोड की है वो तो नीचे चला जाता है ना, तो आप लोग 2-3 वीडियो ऊपर की देखते हो, आधी आधी इस तरह से स्किप करते हो, देखते हो फटाफट, और फिर इसको कमेंट, उसको कमेंट, इसको परेशान करना, उसको परेशान करना, मुझे कमेंट करना, धड़ आप लोग स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसा मत करो, दिमाग को शांत रखो। देखो टेढ़ा बोलने से ना कुछ नहीं होता और कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, और किसी को बुरा बोलने से भी कुछ नहीं मिलता। अगर ऐसा होता ना तो मैं आपसे ज़्यादा टेढ़ा बोल सकती हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं बोल के आपको दिखा दूँगी, फिर आप ना सुन नहीं पाओगे, ये याद रखना। ठीक है, तो ये सब काम मत करो, और अगर आपको आपके फेस पे पिगमेंटेशन है तो शांत रहो, रखो अपने दिमाग को शांत रखो बिल्कुल, ठीक है, और शांति से सब काम करोगे ना तो बहुत अच्छा हर चीज़ अच्छा होता है, आपकी ज़िंदगी अच्छा, रिजल्ट अच्छी, सारी चीज़ें अच्छी होती है। चिड़चिड़ करोगे ना तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, फिर बम्पर रेमेडी यूज़ मत करो क्योंकि वो आपको फ़ायदा ही नहीं करेगा। मैं साफ साफ लफ्ज़ों में कहती हूँ कि आप में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना तो आप मत यूज़ कीजिए। चिड़चिड़ करना, अरे अभी गया नहीं, 10 दिन हो गया 20 दिन हो गया 30 दिन हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो अच्छे से करते हैं, समझ के करते हैं, वीडियो को देख के अच्छे से फॉलो करके समझते हैं, हर बात को बारीकी से सुनते हैं, सोचते हैं, तो उनका जाता है, और जिन लोगों का जाता है वो अच्छे से फॉलो करते हैं तभी तो उनका भी जाता है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं लास्ट टाइम आप लोगों के लिए रेमेडी की वीडियो बना रही हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद कितनी भी कमेंट आएगी मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि किसी चीज़ की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा कितनी बार बनाएगा हर चीज़ मैंने बताया है। बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट वन, बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट टू, बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट थ्री, तीन वीडियो में हर चीज़ यूज़ करके सब कुछ समझा के बता के सब कुछ प्यार से समझा के आप लोगों को बताया है, ठीक है। उसके बाद भी आप वीडियो ही नहीं देखते हो, वीडियो देखोगे नहीं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई एक घर पे आता और ऐसे ऐसे कर देता बस ठीक हो जाता, ऐसा नहीं होता है। जादू कहीं नहीं होता है, अगर कोई कहता है कि जादू होता है तो आप वहाँ से करा लीजिए कुछ, ठीक है। और यहाँ पे आपकी मर्जी पे है, आपको जहाँ से ठीक करना है करो, नहीं करना है मत करो, करना है करो। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि करो और ना मैं कहूँगी, क्योंकि हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है, ठीक है। और अपनी मर्जी, अपने दिल की मर्जी और अपने दिमाग की मर्जी से ही हमें चलना चाहिए, दूसरों के बोलने पर हमें नहीं चलना चाहिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, ठीक है। मैं अपने लिए भी ये बात कहती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं इस तरह के, तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि अभी दो दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो बिल्कुल ऊपर है, उसके बाद भी आप लोगों के सवाल ऐसे ऐसे बौछार आते हैं ना कि क्या बोलूँ। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके मैंने शेयर कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से, एकदम ध्यान से, सुकून से, है ना, शांति से सुनना, ताकि आपको समझ में आए, अगर आप समझना चाहो तो, ठीक है। देखिए ये है ग्लाइको 12%, बोलते हो आप लोग कि रेमेडी मैं नहीं दिखाती हूँ, ये ग्लाइकोलिक एसिड 12% है ये, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड 12%, ये दिखाया मैंने, देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है, उल्टा दिख रहा होगा अभी आपको, अब मैं क्या करूँ, मैं फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ वीडियो तो उल्टा ही दिखता है, तो आप अपने फ़ोन को उल्टा करके देख लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा, ये देखिए दिख रहा है ना, और इसके अंदर से इस तरह का ट्यूब निकलता है, ये इस तरह का, ठीक है, निकल रहा है। अब इसको क्या करना है, बस फटाफट खोलना है, इस तरह से इसको इस तरह से ऐसे लेना है, इस तरह से सब जहाँ जहाँ पे आपको निशान है, दाग है, धब्बे हैं, वहाँ वहाँ पर लगा लीजिए। पूरे फेस में लगाना है तो पूरे फेस में भी लगा सकते हैं, सब कुछ आपकी चाहत पे है, जहाँ जहाँ पे दाग है इस तरह से लगाना है, इस तरह से। ये देखिए ऐसे निकल रहा है, अब आप लोग बोलोगे दिखा नहीं दिए, ये देखो ऐसे निकल रहा है, ये मैंने फिंगर पे लिया, देखिए लिया ऐसे किया, ये लगा लिया, इधर लगा लिया, जहाँ जहाँ मुझे लगाना है फेस पे यहाँ लगा लिया, आँखों के सर्कल को, ये सर्कल को छोड़ देना है, ठीक है, इस तरह से लगा लिया, देखिए सब जगह लगा लिया। आप लोगों के लिए मुझे प्रोडक्ट वेस्ट करना पड़ता है, कोई बात नहीं, फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये मैंने लगाया अपने फेस पे, ठीक है। अब मैं इसको, जो बिगनर है, बिगनर के लिए बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री की वीडियो मैंने बनाई है, उसमें पूरा डिटेल के साथ हर चीज़ समझाया है, बस मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ और इसको किस किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है, निकालना है, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया है। बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री को फॉलो कर सकते हो आप, अगर आप चाहो तो, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लगा लिया और इसको अभी मैं सपोज करो कि मैंने आधा घंटा हो गया लगा के मुझे, है ना, जो बिगनर है वो कम टाइम से स्टार्ट करो, ज़्यादा आगे नहीं जाना है, ठीक है, धीरे धीरे काम करो सुकून से, और तब तक मुझसे बात करने की भी ट्राई करते रहो, और इस तरह से तो मैं आधा घंटा रखूँगी, फिर 40 मिनट्स, फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा से ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो सपोज़ करो कि मेरा एक घंटा हो गया लगा के दिखा दिया, प्रोडक्ट हो गया, अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ से बाथरूम में नहीं जाऊँगी, उठ के बार बार मुझे जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहीं पे, समझो आप बाथरूम है और मैं बाथरूम में मुँह धो रही हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरह से,
तो फेस वॉश के साथ आप फेस वॉश कर सकते हो, ठीक है। फेस वॉश के साथ आप फेस वॉश कर लेना। और फेस वॉश कौन सा सेट वो भी मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरह से ऐसे 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 इस तरह से डैप डैप करना है, इस तरह से पोंछना है, ठीक है। ये देखो पोंछ लिया, साफ हो गया, ठीक है ना। अब पानी को अलग रख देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं बहुत देख रही हूँ लोगों को गड़बड़ करते हुए, क्योंकि समझते ही नहीं है, सही से वीडियो देखते ही नहीं है। देखिए ये है ट्रायलुमा। इसके अंदर से मैंने इस तरह का देखिए ट्यूब निकलता है, इस तरह का ये ट्रायलुमा है, ठीक है। ट्रायलुमा ये वाला, ठीक है ना। तो इसको देखिए, इसको जब हम ढक्कन इसका खोलते हैं ना, ये ढक्कन खोला मैंने, ये ढक्कन इस तरह का पैक होता है, सील है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अभी दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट ना। कुछ लोग क्या करते हैं देखिए, ऐसे करते हैं, ऐसे इस तरह से देखिए, इसमें ना एक फॉइल पेपर है और एक प्लास्टिक से इसको कवर किया जाता है। तो इसको ना ऐसे ओपन नहीं करना, ऐसे कई लोग ऐसे पिन मार देते हैं, ऐसे पिन, ये पिन मार देते हैं इस तरह से, ये छेद बना दिया। इसको ऐसे नहीं ओपन करना है, इसको ऐसे ओपन करना है। देखिए ये कैसे है ना, इस तरह का ओपन करना है इसको। इसका पूरा जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसको ना पूरा जो इसका ऊपर का हिस्सा है, ये पूरा ओपन करना है बिल्कुल, ठीक है। इसको छेद नहीं करना, छेद, क्योंकि छेद से जो ये देखिए, इस तरह का जब मैंने सेफ्टी पिन से छेद किया तो इसके ये देखिए, अब मैं निकाल रही हूँ इसको। अब मैंने बोला आपको कि चने के बराबर काला चना होता है ना, काला चना कितना छोटा होता है, बस उतना ही लेना है, ठीक है। तो देखिए अब मैं छेद किया और ये देखिए निकाल रही हूँ इस तरह से, सेमिया की तरह निकल रहा है। तो क्या ये क्वांटिटी सही है, क्या ये चने के बराबर दिख रहा है आपको, नहीं ना। तो इस तरह से नहीं, इसका पूरा ओपन करना है मुंह इस तरह से, ताकि इसकी जो क्रीम है वो अच्छी तरीके से बाहर निकले। जैसे कि इस तरह से देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, अब आप बताओ क्वांटिटी में कितना डिफरेंट है, चने के बराबर कौन सा वाला है, जो मैंने पिन से खोला था वो, या फिर जो मैंने पूरा खोला था वो। तो इस तरह से नहीं ओपन करना, पिन नहीं मारना है, इसको इस तरह से ओपन करना है, बिल्कुल ओपन इस तरह से, ठीक है। तो हमें है ना इतना लेना है बस, ये जो सेमिया की तरह निकला है इसको हम हटा देते हैं इस तरह से, और हमें बस इतना क्वांटिटी लेना है। देखिए कितना क्वांटिटी है, चना है ना, काला चने के बराबर है ना, या नहीं है, काले चने के बराबर है ये, ठीक है। तो इतना ही क्वांटिटी लेना है, हजार मरतबा बार बाद में जब आप मेरे से बात करोगे उस वक्त मैं देखूंगी कि मुझे बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना है, उस वक्त मैं आपको गाइड करूंगी, उस वक्त आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो तब तक आपने इस तरह से देखिए काला चना, या फिर आप इससे कम भी कर दो थोड़ा सा, और कम कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, इसको कम ही लेना है बिल्कुल काला चना। ये देखिए कितना शार्प, कितना अच्छे से निकला है, ये निकला है ना। तो इस तरह से छेद नहीं बनाना, इस तरह से आपको ओपन करना है ट्रायलुमा इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। यार ढक्कन भी खोलना कोई सिखाता है क्या, माँ ही होती है जो अपने बच्चों को इस तरह से सिखाती है। तो जरा देखो, अभी ये हो गया, अब ये डीपी वाइट है। अब कई लोग डीपी वाइट एडवांस ला के लगा रहे होते हैं, गलत दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, और फिर बोलते हैं जा नहीं रहा। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया करो। ये देखो ये डीपी वाइट है, यही वाला चाहिए, इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, किसी के बदले में कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। ये देखिए ये डीपी वाइट है, अब डीपी वाइट हम कितना लेंगे, इतना लेंगे, ये देखिए डीपी वाइट हम इतना लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लिक्विड के जैसा होता है तो ये नीचे चलाता है, ठीक है ना, इस तरह से देखिए अच्छे से देखा। अब इन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह से, कितना आसान है, इस तरह से मिक्स कीजिए, देखिए कैसे मैं मिक्स कर रही हूँ,
मिक्स करने में भी बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी होती है, कितना आसानी से इस तरह से आप मिक्स कीजिए, अच्छे से मलाई जैसे मिक्स होता है ना एक दूसरे के साथ, इस तरह से मिक्स कीजिए, इस तरह से देखिए ये मिक्स कर लिया मैंने, अब मैं इसको लगा लेती हूँ अपने फेस पे। कितने अच्छे से लगाइए, जहाँ जहाँ दाग है वहाँ वहाँ लगाइए इस तरह से। बस ट्रायलुमा कम लेना है, ट्रायलुमा की क्वांटिटी हमें नहीं ज़्यादा करना है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया, आँखों के एरिया को छोड़ देना है और इस तरह से ये देखिए लगाया मैंने, ये देखिए जहाँ जहाँ पे दाग है निशान है वहाँ वहाँ पे लगा लीजिए। अगर आप पूरे फेस में लगाना चाहते तो लगा लीजिए, लेकिन पहले दाग पे ही लगाइए क्योंकि हमें दाग ठीक करना है। इस तरह से ये देखिए लगा लिया मैंने इसको, लगा लिया, हो गया। क्या परेशानी है, कुछ भी परेशानी नहीं, अच्छी क्वांटिटी है, वीडियो अच्छे से देखना है, मिक्स करना है, लगाना है और कुछ भी नहीं करना। ये लगा लिया मैंने, ठीक है। ये लगा लिया मैंने, अब लगाकर इसको रख लेंगे, ठीक है। कम टाइम से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा कम रखिए। इसके लिए प्रॉपर जो वीडियो है उसको जाकर आप देखिए, बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री, जाइए देखिए अच्छे से, उसमें सब कुछ। वो एक ही वीडियो है, लंबी होने की वजह से तीन हिस्सों में मैंने उसे डिवाइड कर दिया है। लगा लिया इसे भी अपना टाइम, जब आप बम्पर रेमेडी बिगनर देखेंगे ना तो उसकी जो टाइमिंग मैंने बताई है तो उसके हिसाब से आप है ना जाइए मेरी पिछली वीडियो में, बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। वीडियो का नाम है बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट वन, बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट टू, बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट थ्री, ठीक है। तो इस तरह से अब मैंने इसको लगा लिया, तो मैं अभी धोऊंगी नहीं, इसके ऊपर ही आपको बता देती हूँ, थोड़ा मेरा फेशियल हो जाएगा, ठीक है। चलिए धो देते हैं, टाइम पूरा होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको धो देंगे। आप समझिए मैं बाथरूम में आ गई, ए भाई हमारा टाइम पूरा हो गया, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ तो फटाफट ही आपको करके दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए ये हमने धो लिया, आप समझो हम बाथरूम में हैं, ठीक है। मैं यहीं पे इस तरह से धो रही हूँ, देखिए ये मैंने साफ कर लिया। इसको फेस वॉश के साथ साफ करना है, ये फेस वॉश है सेटाफील का फेस वॉश, सेटाफील का फेस वॉश, सेटाफील का फेस वॉश, ठीक है। तीन बार बोला, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इससे फेस वॉश करना है, जितनी बार भी आप फेस वॉश करोगे, ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया हमारा, अब हम चलते हैं इसकी तरफ, हमारा ये सीरम, ये सीरम, ठीक है। इसको रात में सोने से पहले, सोने से पहले लगा लेना है और पूरी रात लगा के सो जाना है। इसको हाथ को कटोरी की तरह बनाएंगे, इस तरह से कटोरी बनाएंगे, कटोरी इसको हम ऐसे डालेंगे इस तरह से, थोड़ा सा निकालना ताकि प्रोडक्ट वेस्ट ना हो। इस तरह से फिंगर पे लेना, इस तरह से लगाना जहाँ जहाँ पे, या पूरे फेस पे लगा लेना इस तरह से, थोड़ा सा लेना, ज़्यादा नहीं लेना, कम पड़ जाए तो दोबारा ले लेना। ये देखो इस तरह से, तो मैंने थोड़ा सा लिया था, ये देखिए है ना, तो ये सब हम सब लगा लेंगे इस तरह से। ये लगा लिया हमने, ठीक है ना, इस तरह से लगा लीजिए। आँखों पे नहीं लगाना, आँखों का एरिया छोड़ देना है, इतना गोल सर्कल छोड़ देना है, ठीक है। देखिए ये लगा लिया, अब इसको लगा के आपने सो जाना है, ठीक है। उसके बाद सुबह आपने फिर से धो लेना है, नहाना धोना, फेस वॉश से फेस वॉश करना है ना, सिंपल है ना। उसके बाद आपने
दिन में फेस को खाली नहीं छोड़ना, कभी आपने सनस्क्रीन लगाना है, खाना पकाते वक्त भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, ढेर सारा सनस्क्रीन लगाना है, फिर 3 घंटे के बाद ये निकाल देना, फिर ये लगा लेना, फिर ये लगा लेना, फिर ये लगा लेना, इन दोनों को बारी बारी से फेस के ऊपर अप्लाई करते रहना है, फेस को खाली नहीं छोड़ना है। बाहर जा रहे हो तो आपने सनस्क्रीन को लगा के ही बाहर जाना है, खाना पकाते वक्त भी सनस्क्रीन का अप्लाई करना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों में अगर आपका फेस रेड होता है, जलन होती है या फिर दाने, खुजली, इस तरह की सारी चीज़ें होती है, तो 2-3 दिन तक आप प्रोडक्ट को बंद कर दीजिए, अपने फेस को, स्किन को रेस्ट दीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है ना। अब हमारे पास है 3 सप्लीमेंट, एक है लाइको गोल्ड, दूसरा एवियन 400 और तीसरा है हमारे पास ग्लूटेन सी। ये ग्लूटेन सी, इस देखिए, अच्छे से देखिए, इसकी स्पेलिंग देखिए, ऐसे ही मंगाना है आपको। ठीक है, ग्लूटेन सी, विटामिन ई, एवियन 400, इस तरह की कैप्सूल एवियन 400, ये है लाइको गोल्ड, ओके, लाइको गोल्ड नाम है इसका। ठीक है, ये 3 हो गया। एक नाश्ता करने के बाद खाना है, एक दोपहर के खाना, फिर से बता दूँ, एक दोपहर का खाना जब आप खाते हो लंच के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर, ओके। इसको कैसे खाना है वो भी मैं बताती हूँ। इसके अंदर से ऐसा निकलता है, ऐसा डब्बा निकलता है, इसको हम ऐसे खोलेंगे तो एक इसके अंदर से इस तरह की गोली निकलती है, देखिए, इस तरह की गोली निकलती है, तो एक हम ले लेंगे, एक ही गोली ले लेंगे। ठीक है, इसको रख दिया। अब हम इसको कैसे पियेंगे, देखिए, एक गिलास पानी लेंगे, इस तरह का पानी का गिलास ले लीजिए, एक गिलास पानी या कप जो भी आपके घर में है ना, या फिर जो भी गिलास, मग, जो जिसमें भी आपको पीना हो, इस तरह का इतना पानी लेंगे, एक गोली इसके अंदर डाल देंगे, देखिए डाल दिया। अब इसके अंदर बुलबुले उठ रहे हैं, उठने दीजिए, जब बुलबुला शांत हो जाएगा, गोली पिघल जाएगी, बिल्कुल पानी के अंदर हिल मिल जाएगी बिल्कुल ये, उसके बाद हम इसको पी लेंगे। ठीक है, देखिए कितना आसान है, सब कुछ बता दिया। तो इसके बाद मैं कभी भी नहीं बनाऊंगी इस टॉपिक पे वीडियो। अगर आप लोगों ने जानना है तो आप लोग वीडियो जाकर देखिए और सीखिए। ठीक है, इसको घुलने तक वेट करना पड़ेगा, तो मैं इसको घुलने देती हूँ, तब तक दूसरी बात कर लेती हूँ। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और मेरी पिछली वीडियो बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट 1, बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट 2, बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट 3 वीडियो जाकर देखिए, उसमें हर चीज़ डिटेल से समझाई है, बताई है, टाइमिंग बताई है। ठीक है, इसके रेमेडी के ऊपर बहुत सारी वीडियो मैंने पीछे बनाई हुई है। ठीक है, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी मैंने आप रेमेडी कहाँ से ऑर्डर करें, तो आप में इस चैनल पे मैंने बताया है, यहाँ से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन कहीं से भी आप कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मैंने पिछली वीडियो जाकर देखी, 2-3 दिन पहले की वीडियो, तो उसमें आपको मिलेगा, मैंने उस वीडियो को ऊपर ही रखा है पिन करके, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक है ना, तो आप जाइए देखिए, जहाँ से मर्जी आता है आपको, आप खरीदिए। ठीक है ना, और खुश रहिए, बोलते ना जियो और जीने दो। ठीक है, मैं ना एक ही चीज़ का बार बार सवाल का जवाब देकर ना थक जाती हूँ, कोई भी इंसान थक जाता है ना यार, आप हो गए तो आपसे मैं हर रोज़ बोलूँ चाय कैसे बनती है, तो एक दिन आप चाय का पतीला मेरे सर पे आके मार दोगे। ठीक है, तो देखिए ये घुल गया, पानी के अंदर घुल गया, सॉरी, है ना, पानी के अंदर इस तरह से ये घुल जाता है बिल्कुल, देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पी जाएंगे इसे। इतना मज़े का, मुझे बहुत पसंद है ये, ऑरेंज जूस पिया मैंने, ऐसा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। रात में लगा सकते हैं कि दिन में, कि रात में, कि दिन में,
आप इसे सुबह लगा सकते हो, दोपहर में भी लगा सकते हो और शाम में भी लगा सकते हो, लगा सोने से पहले आप कभी भी लगा सकते हो। हमें सिर्फ टाइमिंग से मतलब है कि इतना टाइम ये लगाया, इतना टाइम ये लगाया और इतना टाइम मैंने ये लगाया, ठीक है। इस तरह से और कुछ बच गया क्या सवाल? नहीं ना, तो बस ये सारी चीज़ें थी जो अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दिया। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हर चीज़ डिटेल से मैंने समझा दिया। ढक्कन कैसे हटाते हैं वो भी, ठीक है। ट्रायलुमा की क्वांटिटी आपने बढ़ाई तो फिर नुकसान हो सकता है आपका, तो इसलिए आप ट्रायलुमा की जो क्वांटिटी है जितना चने के बराबर, काले चने के बराबर, उतना ही आपने यूज़ करना है। और एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करूँगी, देखिए जितने लोग वीडियो में, जैसे मैं अलग अलग सब्सक्राइबर, अलग अलग मेरी फैमिली के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ, जिनके रिजल्ट आते हैं उनका इंटरव्यू लेती हूँ, तो उनको मैंने उसी की तरह से उनके फेस के हिसाब से गाइड किया हुआ होता है, ठीक है। तो वो अपनी जर्नी शेयर कर रहे होते हैं, उन्होंने रेमेडी कितने घंटे लगाई, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो मैंने उनको गाइड किया उस तरह से, इसीलिए उन्होंने उस तरह से लगाया, ठीक है ना। तो ये जो आपको रेमेडी अगर यूज़ करना है तो आप ये वाला वीडियो जो अभी मैं बना रही हूँ ये देखो, बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट 1, बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट 2, बम्पर रेमेडी बिगनर पार्ट 3 की वीडियो देखो और उस तरह से आप फॉलो करो, ठीक है। हर किसी के लिए ही है छोटा, कई लोगों का नहीं जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बम्पर रेमेडी से नहीं जाती है। हज़ार मरतबा बोल चुकी हूँ कि किसी कोई ऐसे पैच होते हैं जिसके ऊपर बम्पर रेमेडी भी काम नहीं करती है। लेकिन जब आप मुझसे कॉन्टेक्ट करते हो, मैं आपका फेस देखती हूँ ना, हर चीज़ चेक करने के बाद हमें लगता है कि हाँ ठीक हो सकता है, तो हम आपकी क्वांटिटी, आपकी रेमेडी सब कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। आपकी टाइमिंग सब चेंज करके हम देखते हैं और फिर इंशाल्लाह रेमेडी भी मैं चेंज करती हूँ, ठीक है। तो जब मुझसे बात जब तक नहीं होगी आपकी, मैं कोई भी आंसर आपको, कई लोग ऐसे भी पूछते हैं कि आपको आपका वो कर दूँ क्या, मैं लगा लूँ क्या, मैं इस तरह से लगा लूँ क्या, तो जब तक मैं आपका फेस नहीं देखूँगी आपको मैं इस तरह से कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकती कमेंट के ज़रिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं जो मेरे दुश्मन हैं, जो मेरा बुरा चाहता है, वो लोग भी कमेंट करते हैं और वो सोचते हैं कि इससे ना कमेंट में ही सब कुछ पूछ लो, ठीक है। तो बम्पर मेरी पहले ही मेरी एक चोरी हो चुकी है, तो इसीलिए मैं चोरों की मदद कमेंट में नहीं करना चाहती। और जो मेरे प्यारे अच्छे प्यारे प्यारे हीरे मोती वाले सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे जो दिल के करीब है, वो सब मुझे जानते हैं, मुझे उनको समझाने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं कैसी हूँ क्या हूँ। और किसी के बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बुरा बोलने से कुछ नहीं होता। मुझे 1000 लोग प्यार करने वाले हैं और 1000 लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं, उन सब के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। चाहे वो कोई भी हो, मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत आती है। जात पात ऊंच नीच ये सब मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इंसान को पहचानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए इंसानियत नंबर 1 है, नंबर 1 पे मैं इंसानियत को रखती हूँ। मेरे सामने बाकी दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है। एक दो कमेंट इस तरह से भी आते हैं कि ये इस्लाम की बातें करती है ये, तो हाँ मैं मुसलमान हूँ और मैं इस्लाम की बातें करती हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो मैं इस्लाम की बात ही करूँगी, मैं मुसलमान हूँ तो मैं अल्लाह ही कहूँगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी मज़हब की रिस्पेक्ट नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर एक मज़हब की बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, और मेरी नज़र में हर एक मज़हब के लिए इतना इज़्ज़त है, इतना ज़्यादा इज़्ज़त है, ठीक है। तो ऐसे छोटी सोच रखने वाले यहाँ पे चैनल पे, मेरे चैनल पे खास करके बिल्कुल भी नहीं आना, ठीक है। मुझे ना आरती भी गानी आती है, ऐसी बात नहीं है। मेरा बचपन है ना गुजराती पंजाबी और ब्राह्मण, मंदिरों में खेलते कूदते,
ठीक है। और नवरात्रि में कन्या पूजन भी मैंने मेरा किया है। मेरे जो पहले जब मैं छोटी थी तो जो मेरे हमारे घर पड़ोस में जो लोग रहते थे, पंजाबी रहते थे, वो लोग इतना प्यार करते थे, कन्या पूजन करते थे, ठीक है। तो जो पहले के पड़ोसी होते थे ना, वो माँ बाप से कम नहीं होते थे, ठीक है। तो अपने नज़रियों को, इंसान को देखने के लिए जो नज़रिया होता है ना, उसे चेंज करो और अच्छी नज़र से देखोगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा नज़र आएगा, ठीक है। तो हाँ, मैं हर मज़हब की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और करती रहूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। जो लोग इस तरह के बातें बकवास करते हैं तो वो मेरे चैनल पे उनके लिए कोई जगह नहीं है और वो ना है। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल पे बकवास करने के लिए बिल्कुल नहीं आना। और मैं इतनी अच्छी हिंदी बोलती हूँ ना कि आपको भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलनी आती होगी। मैं उर्दू भी बोलती हूँ, हिंदी भी बोलती हूँ, ठीक है। मैं पंजाबी भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ, क्योंकि मैं पंजाबियों के बीच में पली बड़ी हूँ, इसलिए मैं पंजाबी भी समझती हूँ। आप लोगों ने मुझे कई वीडियो में देखा होगा, ठीक है। मैंने इंटरनेशनल कंपनी में जॉब किया है, इसीलिए मैं बहुत सारे लैंग्वेज थोड़े थोड़े से जानती हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा मैं बहुत सारे लैंग्वेज जानती हूँ। तो मुझसे ना फालतू की बातों से टक्कर लेने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे फालतू बातों को सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। तो मैं तुम्हारे फालतू बातों को बिल्कुल एक झटके में ही डिलीट कर देती हूँ, तो तुम्हारी मेहनत पे पानी फिर गया ना। तो ये मेहनत कहीं अच्छी जगह पे आप लगाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, जैसे मैं अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही हूँ। मेरा हिंदुस्तान मुझे जान से भी प्यारा है और यहाँ के लोग मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, है ना, जान से प्यारा है, ठीक है। आई लव माई इंडिया और मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है। और मैं यहीं पे अपनी जो वीडियो है ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है आई नो, लेकिन जो सवाल थे आप लोगों के उसको क्लियर करना ज़रूरी था और उसके लिए इतना टाइम लगना तो ज़रूरी है, ठीक है। तो बस इसी तरह से आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, खेलते खाते रहिए, हंसते खेलते रहिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। मैं आप सभी लोगों की तहे दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और करती रहूँगी, बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत मोहब्बत है मुझे आप लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा दिल जिंदा रखा और अल्लाह ने मुझे समझाया कि सबसे पहले नंबर पे इंसानियत आता है, बाकी सब कुछ बाद में। तो आप सब लोग मुझे दिल से ज़्यादा अजीज हो। आई लव यू ट्रेन भर के, हमारा देसी स्टाइल आई लव यू ट्रेन भर के, ठीक है। चलिए, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।